भैया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। भारत चीन प्रोपागंडा वार भारत न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिकत चीन क्लिक न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। अमेरिकार दैनिक संबाद पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स प्रकाशित बातरीत उदंगाले चीनर कुटिल षड़যন্ত্র। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসত প্রকাশিত বাতৰি মতে ভাৰতৰ নিউজ পোর্টেল নিউজ ক্লিকত বিনিয়োগ কৰে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ী নেভিল ৰয় সিংহমে। নেভিল ৰয় সিংহমক ধনৰ যোগান ধৰে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাই। এই কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ নেতাই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসত প্ৰকাশিত বাতৰি মতে বাওপন্থী নেভিল ৰয় সিংহমে চীন চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আছে। ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত চীনৰ প্ৰপাগাণ্ডাৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰে। নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰি মতে চীনৰ প্ৰপাগাণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে চীন আৰু নেভিল ৰয় সিংহমৰ মাজত $275 মিলিয়ন লেনদেন হৈছে। সিংহমৰ পত্নী জ্যোতি ইভানসিউ কোডপিংক নামৰ এটা সংস্থা খুলি চীনৰ হৈ প্ৰপাগাণ্ডা কৰি আহিছে। নিউজ পৰ্টেল নিউজ ক্লিক আৰু চীনৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়টো লৈ আজি সদন উত্তাল হৈ পৰে। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर। न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं। वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है पुरकास्त उसका मालिक है। केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे विषय तो सदन उत्थापन करी विशेषको कांग्रेस चक्रविहु ठुमुआई लय। जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेके 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलका के साथ या पुरकास्त के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर तो दिग्विजय सिंह का सुरजेवाला का सुप्रिया श्रीनाथ का ये सारे ट्वीट आए सर। কিন্তু স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় নিউজ ক্লিকত চীনৰ প্ৰপাগাণ্ডাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ সম্পৰ্ক কি? সেয়া 2021 চনৰ কথা। নিউজ ক্লিকত বিদেশী বিনিয়োগক লৈ অভিযান চলাইছিল ইডিয়ে। কিন্তু অভিব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ আঁৰ লৈ নিউজ ক্লিকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছৰ সেই কাণ্ডৰ আলম লৈ লোকসভাত বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে উত্থাপন কৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ। নিশিকান্ত দুবেৰ মতে কংগ্ৰেছ চীনী ভাই ভাই ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता तथा मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस और समालोचना मुखर हो पड़े। क्या वो यहाँ पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर चाइना फंड कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है? अगर भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा न्यूज क्लिक के मामले में ये आकर खड़े हुए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे, क्या उस समय भी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में ही खड़ा होगी? সদনত এই ঘটনা ঘটাৰ পিছত তৎপৰ হৈ পৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী। লোকসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ লিখি নিশিকান্ত দুবেৰ অভিযোগ সংসদৰ কাৰ্যবিৱৰণীৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনায়। মঙলবাৰে সদনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ দিন। তেনে সময়তে কংগ্ৰেছ আৰু চীনৰ সম্পৰ্কৰ এই বিষয়টো বিজেপিৰ বাবে অস্ত্ৰস্বৰূপ হৈছে পৰিল। সেয়া ধুৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।